स्टार्ट करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ना आपका, बता देते हैं आपको सबसे पहले कि ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है। एक्सरसाइज आपका है 7.1 का एग्जांपल 3, और ये जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 9A का पहला ही क्वेश्चन है, दोनों हो जाएगा इससे। देखिए क्या कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। मैंने क्या बोला इन्होंने कि ये जो आपका ए बी लाइन दिया हुआ है वो बता रहा है कि वो सी डी के पैरेलल है। फिर आगे बोला कि ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, कह रहा कि ओ जो है वो बताया गया कि वो ए डी का क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये लंबाई बराबर है। तो सो दैट कि ट्रेंगल ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी मतलब ये ए ओ बी, ये वाला ट्रेंगल इज कंग्रेंट टू डी ओ सी, डी ओ सी के मतलब इसका कन्वर्स प्रूफ करना है ना, जो पिछले प्रूफ किए थे हम। फिर कह रहा है कि ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब ये लंबाई के बराबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम गिवेंस वगैरह लिख लोगे तुम लोग, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम लास्ट में लिख देंगे। प्रूफ डायरेक्ट लिखते हैं हमको, देखो ये बात अगर प्रूफ करना है तो ये समझ लो कि ये बात निश्चित रूप से बराबर होगी, और अगर इन्होंने कंग्रेंट लिख दिया तो आधी इन्फॉर्मेशन तो ये हमको दे दिए, क्योंकि हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम ये सोचेंगे कि पहला दो लंबाई को हम बराबर कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ए ओ की लंबाई जाके फिगर में देखो, ए ओ की लंबाई डी ओ के बराबर है, तो ये हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कि सिंस ए ओ बराबर डी ओ, कैसे तो गिवन। अब अगला लंबाई हम लिखेंगे कि ओ बी को हम ओ सी के बराबर लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। तो ये ओ बी है और ये ओ सी है, ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है, ये तो हमें प्रूफ करना है ना कि ओ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट था, तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी गिवन है ज़रूर लेकिन लिख नहीं सकते हैं। तो जो लिख सकते हैं, जिसका रीजन दे सकते हैं, जिसका कारण कोई लॉजिक दे सकते हैं, वही लिखेंगे। बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब देखो, अब हमारा एक साइड बचा ए बी, क्या हम ये बराबर लिख सकते हैं क्या, ए बी की लंबाई को डी सी के बराबर, तो ये भी तो हमें नहीं दिया है कि ए बी की लंबाई सी डी के बराबर होगा, कहीं नहीं दिया, बस पैरेलल दिया है। तो पैरेलल का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो लेंथ भी बराबर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस केस में वैसे बराबर होगा, लेकिन रीज़न अभी नहीं दे पाएंगे इस नए कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो हमारा एक ही साइड बराबर होगा, तो अब क्या चीज़ से ये कंग्रेंट हो सकता है, एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से, क्योंकि साइड साइड एंगल तो होता ही नहीं है, और ऐसे दो को साइड तो बराबर कर भी नहीं पा रहे हैं, तो ये होगा तो एंगल साइड एंगल से। अब जरा एंगल को देखते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल 1 अगर बोल रहे हो, इसे एंगल 2 बोल रहे हो, तो ये आपस में बराबर होगा। उसी के साथ साथ अगर इसे एंगल 3 बोल रहे हो, इसे एंगल 4 बोल रहे हो, तो ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हो तो गया, हो तो गया, और वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी बराबर हो गया, तो तीनों एंगल के तो बराबर है। अब तीनों एंगल के बराबर है, एक वो साइड बराबर है, तो हम जानते हैं दो प्रॉपर्टी, एक होता है एंगल साइड एंगल, एक होता है हमारा एंगल एंगल साइड, किसी को भी लगा सकते हैं। तो तुरंत हम लिख देंगे कि एंगल, जैसे हम ए ओ लिए हैं पहले, ए ओ नीचे की तरफ से लिए हैं ना ए ओ, तो नीचे की तरफ से अगर ए ओ लिए हैं तो हम सबसे पहले एंगल 4 लिखेंगे चाहे एंगल 2 लिखेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, एंगल 4 लिखते हैं। तो एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के। बगल में यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल 4 को तुम क्या बोलना चाहते हो, एंगल ए बोलना चाहते हो, लिख लो। एंगल 3 को क्या बोलना चाहते हो, तो एंगल 3 को तुम बोलना चाहते हो एंगल डी, ठीक है ना। कैसे, तो हम कहेंगे कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रीज़न हो गया आपका। फिर हम लिखेंगे क्या, एंगल 1 बराबर एंगल
एंगल वन नहीं लिखेंगे पहले, क्योंकि हम नीचे की तरफ से ट्रेंगल लिख रहे हैं ना, पहले ए ओ की तरफ से लिख रहे हैं, तो हम टू लिखेंगे सबसे पहले। तो एंगल टू किसके बराबर होगा, और टू किसके बराबर है, एंगल बी के, और इधर एंगल टू किसके बराबर है, एंगल तीन के, सॉरी टू जो है वो एंगल वन के बराबर है, और वन के हम क्या लिख सकते हैं ब्रेकेट में कि एंगल वन हमारा एंगल सी है, और एंगल ओ तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ के वर्टिकल, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब कुछ भी लगा लो यार भाई, सब एंगल बराबर है तो एंगल साइड एंगल भी तो लगेगा ही, क्योंकि ये एंगल के बराबर, ये साइड के बराबर, ये एंगल के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इसको और इसको ले लिया जाए, अगर तीन और चार को, इसको इक्वेशन वन मान ले और इसको इक्वेशन टू बोल दे, तो हम इक्वेशन टू की ज़रूरत भी नहीं है, इसको लिख लो इक्वेशन टू, तो फ्रॉम वन टू लिख सकते हैं, बाई वन एंड टू, या फ्रॉम वन एंड टू है ना, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, अब यहाँ पे ज़रूरत है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि यही ट्रेंगल ये ट्रेंगल के कंग्रेंट है, तो डायरेक्ट लिख दो, देखने की ज़रूरत ही नहीं है ऑर्डरिंग। ए ओ बी अगर कंग्रुएंट है और यही बात हमें प्रूफ करना है तो यही होगा ना, ऑर्डर वो गलती लिख के थोड़ी देगा, ठीक है। तो ये बात ही हम प्रूफ कर लिए, फिर हमें बोल रहा है कि आप ये प्रूफ करो कि ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो होगा ही ना, क्योंकि आप सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं, हम सी पी सी टी से क्या कह सकते हैं कि ओ सी की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, ओ बी की। तो दूसरा और दूसरा देख लो, तो ओ बी बराबर ओ सी, क्योंकि दूसरा तीसरा कर लेंगे तो इधर भी दूसरा तीसरा लेंगे, और ये कैसे बराबर हुआ, तो भाई सी पी सी टी, ये भी प्रूफ हो गया। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया, और यहाँ आपका प्रूफ्ड फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो ये आप प्रिंट कर लीजिए, आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन सोचने का तरीका डेवलप इसी से होता है।